तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हमने दो वीडियोस ऑलरेडी गिल्ड के रिलेटेड डाली है कि कैसे आप लोग हमारी ऑक्टा एसटीजी X6 गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आए एंड दो तीन लोग टेस्ट दे के वीडियो के बाद हमारी गिल्ड में सिलेक्ट भी होकर के आए हैं। लेकिन अगर आप इन वीडियोस को अभी की डेट में देखोगे तो इनमें जो मेथड बताया है उसको फॉलो कर करके आप हमारी गिल्ड में अभी नहीं आ सकते हैं। ये हाउ टू ज्वाइन अवर गिल्ड का पार्ट 3 होने वाला है। इसमें जो मैं बताऊंगा वो क्लियर कट मेथड है एंड फॉर एवर एप्लीकेबल है, चाहे आप 6 महीने बाद देखो वीडियो को या 1 साल बाद, बशर्ते यह है कि गिल्ड चालू होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो के कंटेंट के बारे में एंड बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बात करते हैं हम हमारे गिल्ड के रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि क्या आपको हमारी गिल्ड में आने के लिए लेवल, KD, हेड रेट, विन रेट एटसेट्रा चीज़ें मैटर करती है या फिर नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-5 लेवल की आईडी लेके गिल्ड में आ जाओगे। थोड़ा बहुत लेवल तो होना ज़रूरी है ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास हमारे गिल्ड के ऑफिशियल येलो थीम अवतार बैनर होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑक्टा वाला अवतार नहीं है, यानी कि ऑक्टोपस वाला अवतार नहीं है, तो उसकी जगह आप कैली का अवतार भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारी गिल्ड का येलो थीम्ड बैनर यानी कि कैली का स्प्रिंटर बैनर होना तो कंपलसरी है ही है। अगर इस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं तो आप टेस्ट देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं एंड रेडी हैं। एंड टेस्ट ही मेन चीज़ है, जिसको पास करने पर ही एंटर कर सकते हैं आप गिल्ड में। अब जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप गेम प्ले टेस्ट देने के लिए हमको संपर्क कर सकते हैं। तो यार, आज की इस वीडियो में हम आपको काफी सारे मेथड बताने वाले हैं संपर्क करने के, जिसके कारण आप हमें इजीली संपर्क कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ एक ही मेथड देते थे, अब सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1। मैं आपको यहाँ पे 2 UID दूंगा, जो कि एक तो है हमारे गिल्ड के एक्टिंग गिल्ड लीडर गॉड की और एक है मेरी यानी कि लीडर की STG Stingo। तो ये दोनों UID पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप चाहे तो अपने बायो में लिख सकते हैं कि फॉर गिल्ड टेस्ट, या कुछ भी लिख सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपको गिल्ड टेस्ट देना है, इसके लिए आप हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, या फिर वैसे भी आप रिक्वेस्ट भेज देंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे 2 IDs देख सकते हैं, दोनों को में से किसी को भी आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ से भी हम आपको टेस्ट लेने के लिए UID लेकर आपका टेस्ट लेंगे एंड अगर आप सिलेक्ट हुए तो गिल्ड में भी लेंगे। मेथड 3, आप डिस्कॉर्ड की मदद से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि डिस्कॉर्ड वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा लेट होगा अप्लाई, शायद हम मैसेज देखने में थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ डिस्कॉर्ड का सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड का सर्वर एक्चुअली हैक हो चुका था, जिसके कारण अभी तक हमने अच्छे से उसको बनाया तो नहीं है, लेकिन हाँ जब जैसे ही बन जाएगा तो वही लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के सर्वर को। मेथड 4, अब यहाँ पे अगर आपको पता हो तो हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, इसी चैनल पर 8:30 से 9 से सैटरडे को करते हैं लाइव स्ट्रीम, एंड वहां पर आके भी आप हमसे संपर्क बहुत ही इजीली कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम पे संपर्क करना तो सबसे इजी है, गेम UID से भी इजी है, लाइव स्ट्रीम वाला मेथड भी यहाँ पे सबसे इजी है। तो लाइव स्ट्रीम पे संपर्क कर सकते हैं आपको हमको सैटरडे को 8:30 PM। अब बात रहेगी कि संपर्क करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है। तो संपर्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपके पास एक येलो रूम कार्ड होना जरूरी है, या फिर अगर ब्लू वाला है तो कुछ हद तक चल जाएगा, येलो अगर हो तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। येलो रूम कार्ड होना आपके पास जरूरी है एंड उसके बाद आपको करना क्या है कि हमको संपर्क करने के बाद जस्ट आपको रूम बनाना है, हमें स्पेक में डालना है एंड आपको अपना गेम प्ले टेस्ट देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी गिल्ड गेम प्ले गिल्ड है, तो आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए तभी हम आपको गिल्ड में लेंगे। अब गेम प्ले टेस्ट के अंदर 1v2 करना है या 1v3 और कितने राउंड जीतने हैं, ये सब हम आपको मौके पर ही बताएंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज होती रहती है। कभी हम इसको कुछ रखते हैं जैसे कि 1v3 रखते हैं, कभी 1v2, तो ये सब चीजें मौके पर ही हम आपको बताएंगे। आपको गेम प्ले से रेडी रहना है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं फटाफट से बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भी ये क्वेश्चन होगा कि हम इस गिल्ड को ज्वाइन करें तो करें क्यों। तो यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में हम फटाफट से बात कर लेते हैं। तो इस गिल्ड में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि आपको एक गुड लुकिंग एंड अच्छे प्लेयर्स वाली गिल्ड देखने को मिलेगी, अच्छे CS:GO प्लेयर्स वाली एंड अच्छे फुल मैप्स के प्लेयर भी हैं हमारे पास कुछ लोग। अब यहाँ पे गुड लुकिंग से मेरा मतलब है कि यहाँ पे सब अच्छे दिखते हैं भाई, अवतार बनने अगर सबके सेम हो तो अच्छे लगते हैं, नेम भी चेंज होंगे इन लोगों के। अब दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पे गिल्ड में जल्द ही 1v1 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें सभी के सभी गिल्ड प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो भी इच्छा रखते हैं, एंड हम लोग अब CS एंड फुल मैप के टूर्नामेंट्स में भी जल्द ही लैंड करने वाले हैं, एंड आपको रेगुलर अनलिमिटेड एमओ 4v4 वाले कस्टम खेलने को भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपका गेम प्ले अच्छा होगा तभी आपको मिलेंगे, सिर्फ अच्छा ही नहीं सबसे बेस्ट गेम प्ले अगर आपको होगा तभी आप 4v4 रेगुलर खेल सकते हैं। अब बस यार, आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है लेकिन आपके किसी फ्रेंड का गेम प्ले अच्छा है तो आप उसको जरूर से ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर सके। इससे हमारा फायदा तो होगा ही होगा, आपका भी फायदा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर आपका गेम प्ले अच्छा हो तो आप भी उसकी मदद से इजिली गिल्ड में आ सकते हैं। मतलब टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा,
पड़ेगा, लेकिन उसके एक संपर्क की मदद से आप इजीली आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए, एंड मेथड कैसा लगा ये भी बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।